इस क्वेश्चन में क्या किया आप लोगों को, एक इन्वर्टेड यूट्यूब दिया है, मतलब यूट्यूब बैरोमीटर जिसके अंदर एक लिक्विड फील्ड है और वो लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना दिया है, 0.9, यानी रिलेटिव डेंसिटी 0.9 दिया है। और रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो 0.9 दिया है और इस टैंक में वाटर है और इस टैंक में वाटर है, तो ये दोनों का जो बेस है वो एक ही हाइट पे, ठीक है। और लेकिन यहां पे जो वाटर का हाइट है और यहां पे जो वाटर का हाइट है, हमें उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी हम लोगों को यहां से निकालना है कि H1 - H2 कितना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको यहां पे ये 40 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा वाटर है, तो वाटर यानी इस लेफ्ट आर्म में, ये यूट्यूब का जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म में वो लिक्विड राइज हो गया, लिक्विड जो है क्या हो गया राइज, और इस आर्म में लिक्विड थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। इसके लिए यूट्यूब में क्या हुआ, एक साइड लिक्विड ऊपर चला गया, एक साइड लिक्विड नीचे आ गया। तब ये सवाल है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यूज करके हमें H1 - H2 निकालना है, ये समझ में आप लोगों, ठीक है। तो भी देखो कैसे करेंगे हम लोग, हम लोग इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जैसे मानो अभी हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, जैसे आपने इसको मार्क कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी, इसको मार्क कर दिया सी, इसको मार्क कर दिया डी, और ये तो ये जो लिक्विड है इसी लिक्विड में आप यहां जंप कर दो, इसको मार्क कर दो ई, सेम लिक्विड है ना, तो सेम लिक्विड है तो इसको ऊपर जाकर नीचे आने कोई जरूरत नहीं है, ये ई हो गया। उसके बाद आप इसको मार्क कर दो F, फिर ये सेम लिक्विड है तो जंप करके इसको मार्क कर दो G, इसको मार्क कर दो H, तो ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो अभी सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं, तो A पे लिखोगे आप प्रेशर एट A, ठीक है, A पे प्रेशर। अब सारे चेंजेस आएंगे, यानी अब पहला चेंज आएगा A से B में, पहला चेंज किसमें आएगा A से B में, तो वो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो होगा रो वाटर GH1, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आप B से जंप करोगे C में, लेकिन वो सेम लिक्विड और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वहां पे वो चेंज कितना आएगा, 0। अब आप चलो C से D, तो वाटर में और आप ऊपर जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो जो प्रेशर है वो घटेगा, तो आप लिखोगे माइनस रो डब्ल्यू जी इंटू 40 जी इंटू, अब कहां पहुंच गए, डी पे पहुंच गए। अब डी जो है वो उस लिक्विड में लाई कर रहा है, तो हम डी से डायरेक्ट ई जंप कर सकते हैं, क्योंकि डी और ई का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल है, तो हमें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी से कहां जंप करेंगे ई, और वो प्रेशर चेंज कितना आएगा, वो आएगा 0, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग चलेंगे ई से एफ, ई से, लेकिन ये जैसे 40 है ये 40 होगा, तो वो हो जाएगा नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लस होगा रो लिक्विड होगा इनटू जी इनटू फिर से 40 होगा, ये समझ में आपको, फिर से कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ने वाला है, क्लियर। अभी यहां से एफ से हम डायरेक्ट कहां जंप कर सकते हैं जी, और कोई प्रेशर चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अभी सेम लिक्विड यानी वाटर में ही आप जंप कर रहे हैं एफ से जी, समझ में आ रहा है, तो वापस वो प्रेशर चेंज कितना आएगा, 0। अब लास्ट स्टेप, अब आप देखो जी से लेकर एच, तो आप ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, राइट, और वाटर है तो माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इनटू H2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू pH, दिस शुड बी इक्वल टू pH प्रेशर एट H। तो वेयर डिड वी स्टार्ट फ्रॉम, वी स्टार्टेड फ्रॉम A, हमने A से शुरू किया, उसको हम लिखा प्रेशर एट A, उसके बाद हम A से B गए, एक चेंज हुआ वो चेंज लिखा, फिर हम B से C गए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ वो 0 दिया, फिर हम C से D गए पानी में वापस ऊपर, तो वहां प्रेशर क्या हुआ डिक्रीज, तो हमने माइनस साइन लगाया, फिर हम D से डायरेक्ट जंप कर गए E में, क्योंकि वो जो लिक्विड है जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो वहां पे, हाँ मैं भी देख रहा हूँ सामने दिमाग में, हाँ तो D से E आप जंप कर गए, क्योंकि D से E ये पूरा सेम लिक्विड चल रहा है, तो सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, आप E पे पहुंचे, फिर E से आप F गए, फिर से 40 का हाइट वो डीप गया अंदर, लेकिन इस बार लिक्विड में गया, इसलिए हमने रो वैल्यू यूज किया, क्या यूज किया रो वैल्यू, फिर वहां से F से आप पहुंचे G पे, सेम हाइट
सेम लिक्विड, कौन सा लिक्विड? वाटर। फिर से प्रेशर चेंज जीरो, फिर जी से गए आप एच, वाटर में आपका हाइट बढ़ रहा है मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर घटा तो माइनस रो डब्ल्यू जी एच टू, फिर आप कहाँ पहुंचे? एच पे पहुंचे, तो प्रेशर एट एच। तो ये तरीका है लिखने का, ये भी एक तरीका है करने का इसको, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? सॉल्व हो गया। और ये पी ए पी नॉट है, पी एच पी नॉट है, दोनों कैंसिल हो गए, बस ये इक्वेशन है। तो रो डब्ल्यू डाल दो वन, और जी आप कॉमन लेके सबसे हटा सकते हो, तो जी हटा दो, तो ये हो गया वन इंटू एच वन, तो ये कितना हो गया? एच वन हो गया। फिर रो डब्ल्यू कितना है वापस? वन है इंटू फोर्टी, कितना हो गया? फोर्टी। फिर रो एल, तो रो एल को आप वो रो एल निकाल सकते हैं आप यहाँ से, वो जीरो पॉइंट नाइन इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि वाटर का कितना होता है वन, तो रो एल कितना होगा? जीरो पॉइंट नाइन इंटू वन, मतलब जीरो पॉइंट नाइन ही होगा, ये समझ में आ गया। तो इसको आप डाल दिया जीरो पॉइंट नाइन, ये हो गया रो एल इंटू फोर्टी। फिर रो डब्ल्यू कितना है? वन इंटू कितना? एच टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से एच वन माइनस एच टू आ जाएगा 40 माइनस 36, ओके ये 4 सेंटीमीटर आएगा, ये आंसर है, ये समझ में आप लोगों को? तो ये इसको करने का तरीका हुआ, ठीक है। अभी देखो, तो आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन रेफरेंस लाइन चूज किया, मेन रेफरेंस लाइन वो कैसा चूज किया है? वो हमने ऐसा चूज किया है कि वो इधर भी वाटर में ही है और इधर भी वो किधर है? वाटर में, समझ में आपको? तो इससे हमारे लिए इजी हो गया बड़ा, तो हमने एक मेन रेफरेंस लाइन ऐसा लिया, और बाद में हमने एक और रेफरेंस लाइन लिया वो डी से ई के लिए, ताकि हम डी से ई जंप कर सके, समझ में आप लोग? ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते, यानी एफ ले लेते, या कोई इंटरमीडिएट पॉइंट आप ले लेते सी, और आप निकालते यहां से प्रेशर एट सी इस साइड से, और प्रेशर एट एफ इस साइड से, और प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट F कर देते, राइट? लेकिन ये बीच का लिक्विड छूट जाता, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, हम प्रेशर एट सी निकालते हैं इस साइड से, प्रेशर एट सी, और इस साइड से भी हम पॉजिटिव प्रेशर एट सी, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फिर भी वही आंसर आता। तो ये भी एक तरीका है कि प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। हाँ, तो देखो ये कैसे करता है, अगर आपको ये नहीं क्लिक करें, ये जो फर्स्ट मेथड है वो क्लिक ना करें, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब समझ में नहीं आए तो एक पॉइंट फिक्स कर लो, इस पॉइंट पे इधर से आ रहा है और इसी पॉइंट पे इधर से आ रहा है, समझ में आए? और पीसी निकालना, और पीसी को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना, समझ में आए? तो लेट अस डू इट लाइक दैट, तो लेट अस फाइंड प्रेशर एट सी, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये हो गया पी नॉट, पी नॉट, तो क्या लिखेंगे? ये पी नॉट प्लस, हाँ तो ये हो गया पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच वन, हो गया, पहुंच गया पीसी पे, फिर आप डायरेक्ट बी से सी जंप कर सकते हैं, यानी इक्वल टू पी सी, खत्म। नाउ स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, तो दिस साइड ये पहले पी नॉट प्लस, तो ये होगा पी नॉट प्लस रो डब्लू जी एच टू, हो गया है, फिर जी से काउंट करो एफ पे, तो कुछ नहीं होगा, वो हो गया जीरो, फिर एफ से जाओ ई, फिर प्रेशर घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस रो लिक्विड जी इंटू 40, 40 ऊपर जाएंगे आप यहां तक, फिर यहां सीधा डंप कर जाएंगे डी पे, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम लिक्विड है, फिर डी से आप जाएंगे सी पे, तो फिर ऐड हो जाएगा रो डब्ल्यू जी 40, तो इसको आप सॉल्व करो, फिर से यही आंसर आएगा। यानी ये दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप एक पॉइंट से शुरू करो, ए से डायरेक्ट पहुंचो एच तक, ए से एच तक, और आप इसको सारे प्रेशर चेंजेस लेके अकाउंट करो और सॉल्व करो। ये नहीं समझ में आता आपको, आपको लगता नहीं मुझे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ही लेना है, आप ले लो इंटरमीडिएट पॉइंट, यहां से पहुंचो सी तक, फिर यहां से पहुंचो सी तक, दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया आपको?